In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Shaadi Mein Zaroor Aana. Dosto movie Shaadi Mein Zaroor Aana jo release hui thi 10 November 2017 ko, ye ek Bollywood romantic drama movie hai jisko 5 mein se 4 star ki rating di gayi thi. Rating reviews kafi acche diye gaye the. Iske director hain Ratna Sinha, producer hain Vinod Bachchan aur Manju Bachchan. Baat kare iske writer ki to वो है कमल पांडे. अब आते हैं इसकी कास्ट पर. इसमें राजकुमार राव और साथ ही कृति खरबंदा, ये दोनों इसमें लीड रोल में नजर आए थे, लेकिन इनके अलावा सपोर्टिंग रोल में काफी सारी कास्ट नजर आई थी. ये फिल्म क्लैश हुई थी इरफान खान की फिल्म करीब करीब सिंगल के साथ, यानी कि दोनों फिल्में सेम एक ही दिन रिलीज की गई थी. साथ ही आपको बता दें कि फिल्म जो है इसमें जो कृति खरबंदा का रोल था, ये रोल पहले ऑफर किया गया था तापसी पन्नू को, लेकिन वो उस टाइम किसी और मूवी की शूटिंग में बिजी थी, तब जाके उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया और तब जाके ये रोल दिया गया कृति खरबंदा को. बात करते हैं कलेक्शंस की. फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 15 करोड़ 34 लाख रुपए का, 15 करोड़ 34 लाख रुपीस का. इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 19 करोड़ 47 लाख रुपीस का. इसका बजट था 13 करोड़ का. अब 13 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 15 करोड़ 34 लाख रुपीस का, उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप के, तो आपको बता दें कि फिल्म शादी में जरूर आना बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी. फिल्म की ऑफिशियल वर्डिट है वर्ल्ड वाइड एवरेज की. गानों की बात की जाए तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 11 गाने थे और कुछ गाने सुपर हिट साबित हुए थे. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.